नाम? मेरा नाम दर्शन सिंह। कौन से गांव से आए? हम हट मास्का से। हम सारा डेपुटेशन हमारे सरपंच साहब हैं हट मास्का के, और ये सारे आदमी हमारे हट मास्का से आए हैं। एक 2011 से क्रैशर हिमाचल वालों ने अवैध क्रैशर जबरदस्ती वहाँ लगा रखा है हमारे हट मास्का में, और वो दादागिरी भी कर रहे हैं। अभी बीच में लोगों ने पूरा विरोध उठाया उसका, और अपने सारे DMO साहब वगैरह, इन्होंने डी साहब के निर्देश से उनको आए थे वहाँ पे, उन्होंने सील करा। और अभी कल उन्होंने बिना परमिशन के, विदाउट मतलब हमारे DC साहब की जानकारी या ADC की जानकारी के बिना, वो अपना जो क्रैशर है उन्होंने कल से चालू कर दिया है। और उसी सिलसिले में हम आज DC साहब से मिलने आए थे। DC साहब भी मीटिंग में बिजी हैं, उनसे मुलाकात हुई नहीं है, तो उस सिलसिले में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये वो सील हो जाए, बंद किया जाए क्रैशर। वो अवैध क्रैशर है हमारा पूरा, उसके कारण हमारे बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पे। हमारा जो वहाँ पावर हाउस लगा था उसके कारण वो भी ख़त्म हो गया। कम से कम भी 10,000 गाड़ी उन्होंने स्टॉक कर रखी वहाँ पे हमारे J&K में, और वो दादागिरी कर रहे हैं। बाई जो है दरिया है, बाई दरिया उन्होंने रोड बना रखा अपना पर्सनल रोड, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी नुकसान हो रहा है, सब हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। इसकी ये 2011 से लगाए जी, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे लगा है ये अवैध, कैसे पहले वहाँ पे क्रोजर जो है। तो हमारे J&K शंकर सिंह मेरा नाम है। कौन सी जगह? मैं हट मास्का से। समस्या ये है जो हमारे उधर क्रैशर लगा है अपने जो J&K में लगाया है इन्होंने हिमाचल वालों ने, और वो ज़बरदस्ती से चला रहे हैं उसको। ऊपर हम जम्मू गए, जम्मू से जो है DC साहब को संदेशा दिया हमने इधर आके, और उससे उन्होंने DMO साहब को भेज के उसको सील लगाई गई है, और उन्होंने कल से वो चला दिया है। नहीं हमारे DC साहब को पता, नहीं हमारे DMO साहब को पता, किसी को पता नहीं है। और उस जो माल उठा रहे हैं नदी से कम भी कोई 200-300 ट्रक लगाया होगा उधर माल का। और जो हमारी पावर हाउस है 2011 में क्रैशर लगाया, और 2013 में जो है पावर हाउस बंद हो गया है। 9 MW उधर लाइट तैयार हो रही है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। और बाकी जो उन्होंने रोड बनाया हुआ है नदी से, बार बार हमारे जो टूल पोस्ट है ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाती, उधर से नीचे से नदी से रास्ता बना के और नदी से गाड़ियाँ और पार कर रहे हैं वो, और हमको धमकियाँ भी दे रहे हैं। बोलते हैं हम आप लोगों को ज़्यादा बोलेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, गाड़ी के नीचे दे देंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। और जो हमारा उधर क्लोजर लगा था 2001-02 में उधर क्लोजर लगा हुआ था RPP वालों का, लेकिन इतने पेड़ थे उन्होंने सब 2013 में उन्होंने लगाए, वो उखाड़ दिए पेड़ शेड़, कुछ भी नहीं है उधर। इतना माल डंपिंग किया है कि आके देखो, और ये बहुत हैरान होने वाली बात है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम 2-3 बार पहले भी आए हैं इधर, ये मैं बोलना चाहता। बाकी लोगों से पूछो, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने सील तोड़ी है, किया हमने SHO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बोला आप DC साहब के पास जाओ, और आज हम DC साहब के पास आए हैं। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी है, अभी मिलना है उनसे हमने 3-4 बजे, और उनसे भी ये जानकारी लेनी है अब क्या करना, उसको लगाई जाए। और बाहर से टीम आनी चाहिए जो हमारे अपने लोकल गाँववासी ने, कई लोगों ने वहाँ पे हाई कोर्ट तक केस किया इस मसले को लेकर, ठीक है। और हाई कोर्ट ने जो है DC साहब को प्रोटोकॉल निर्देश दिए थे, उनको नोटिस निकाला है DC कठुआ को, और DC कठुआ ने जो है माइनिंग ऑफिसर को दे दिया कि वो इसकी जाँच करे। अब हम कहते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, कमीशन मुकर्रर होना चाहिए, जो बैठे हिमाचल वालों को भी बुलाए, हमारे जहाँ इनको बाहर के लोगों को बुला के, और वो तहकीकात किया जाएगी कौन से लोग हैं, कौन मिले हुए हैं, किसके कारण ये क्रैशर यहाँ पे चल रहा है, वो क्या करते हैं बिना परमिशन के, जैसे दरिया के बीच में से गाड़ियाँ निकाल लेते हैं, आर पार चलती है। और दूसरा क्या कर लेते हैं वो लोग कि हमारे कोई भी आदमी को वहाँ जाने नहीं देते, कोई भी गाड़ी वहाँ जा सकती है। और से आप बता रहे हैं कि वहाँ से एक्सट्रैक्शन करके वो जो है आर पार करते हैं माल, वहाँ पे क्या एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं, वहाँ तो मीडिया नहीं पहुँचता। हमने पिछली बार क्या हुआ, पिछले हफ्ते बसोली का लोकल मीडिया वहाँ पे गया, जब अभी ये चीज हुआ 2 दिन पहले की बात है, मीडिया गया, उन लोगों ने क्या धमकियाँ दी हमारे सरपंच जी, इनको पुलिस हिमाचल की उठाने के लिए J&K में आ गई बिना परमिशन पे, कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने बसोली SHO को कॉल किया कि ये पुलिस यहाँ J&K में कैसे आ गई।